वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफ़ी सारे लोगों को पायरिया की बीमारी हो जाती है, जो एक मसूरों की बीमारी होती है, जिससे काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं। पायरिया की बीमारी को ठीक करने के लिए काफ़ी सारा इलाज भी कराते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इलाज कराने के बाद भी किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं मिलता है। और भाइयों, लंबे समय तक मसूड़ों में पायरिया की बीमारी के बने रहने के कारण उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो भाइयों, आज मैं आपको पायरिया की बीमारी को ठीक करने का सही इलाज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। तो भाइयों, अगर आप पायरिया की बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो आपको एक टूथपेस्ट को लेना होता है, जिसका नाम है टीमोफॉर्म आर। इसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले लें। तो इस टूथपेस्ट का प्रयोग आपको कैसे करना है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। भाइयों, आपको एक मुलायम टूथब्रश लेना होता है और उस टूथब्रश पर आपको इस टूथपेस्ट की दवा को रखकर एक बार सुबह नाश्ता करने से पहले और एक बार रात को खाना खाने के बाद आपको इस दवा की मालिश अपने दांतों और मसूड़ों पर 5 मिनट तक करना होता है, हल्के हाथ से। ये काम भाइयों आपको रोज़ करना है और लगातार जीवन भर करते रहना है, तो भाइयों आपको पायरिया की बीमारी में पूरा फायदा मिल जाएगा। भाइयों, इस दवा का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, आपको इस टूथपेस्ट को जीवन भर करते रहना होता है। भाइयों, जिन लोगों को पायरिया की शिकायत हो गई है तो उनको परहेज ज़्यादा करना है, जब उनको पूरा फायदा मिलेगा। शराब, दारू और सभी प्रकार का अल्कोहल पूरी तरह से बंद करें। सिगरेट, बीड़ी और सभी प्रकार की स्मोकिंग को पूरी तरह से बंद करें। गुटखा, खैनी और सभी प्रकार का तम्बाकू को पूरी तरह से बंद करें। तो भाइयों, आप परहेज करें, मेरी दवा का प्रयोग करें, आपको पायरिया में पूरा फायदा मिल जाएगा। भाइयों, जो मैंने आपको इस वीडियो में दवा दिखाई है, आपको इसी नाम की दवा लेना है, किसी और कंपनी की आप दवा ना लें, अन्यथा आपको आराम नहीं मिलेगा। भाई, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भाई आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार भाई।